प्रिय साथियों, मैं नवल मिश्रा आप सबका अपने नवल इंग्लिश स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपके इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में संकलित आठवीं कविता माई हेवन का अध्ययन कराऊंगा। दोस्तों, यह कविता प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि का एक सांग है। महाकवि आर एन टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि पहले बंगला भाषा में लिखी, बाद में उन्होंने इसे इंग्लिश में लिखा। यह 104 गानों वाली एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और 1913 में आर एन टैगोर जी को इसी पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाया गया था। उस समय वह नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे। अब मैं बिना देरी किए इस कविता को शुरू करता हूँ। माई हेवन, मेरा स्वर्ग, बाई आर एन टैगोर। ध्यान देंगे, कवि कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई। कभी भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है, हे ईश्वर, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, हमारे देशवासियों को विदाउट फेयर कर दो, हमारे देशवासी निडर हो जाएं, हमारे देशवासी किसी से डरे ना, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनके सिर हमेशा गर्व से ऊँचे उठे रहे। हमारे देशवासियों के सिर हमेशा गर्व से ऊँचे उठे रहें, वह ऐसे कार्य करें जिस पर उन्हें गर्व हो, और वह कभी किसी से डरे ना, उनके मस्तिष्क निर्भय हो जाए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, कभी भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हमारे देश में नॉलेज फ्री हो, हर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, हर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा संसार एक अखंड संसार हो, मेरे संसार को हैज नॉट बीन ब्रोकन, न तोड़ा गया हो, न बांटा गया हो इंटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू सक्रिय दीवारों के बीच मेरे संसार को विभाजित न किया गया हो। अर्थात कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका संसार एक अखंड संसार हो, उसे जाति धर्म रंग भेद की दीवारों में विभाजित न किया गया हो। बेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, कभी भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, हमारे देशवासी, हमारे संसारवासियों के बर्ड शब्द कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से भीगे हुए हों, सच्चाई से निकलने वाले हों, अर्थात हमारे देशवासी, हमारे संसारवासी सभी सत्यवादी हों। बेहर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ लोग टायरलेस स्ट्राइविंग अथक परिश्रम कर रहे हों, अथक कोशिश कर रहे हों, स्ट्रेचेड इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, और अपनी बाहों को पूर्णता प्राप्त करने के लिए लगातार फैला रहे हों, लगातार परिश्रम कर रहे हों अपने आप को ग्रेट और ग्रेट बनाने के लिए, अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए लगातार लोग परिश्रम कर रहे हों, बिना थके लोग परिश्रम कर रहे हों। बेहर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है, हे ईश्वर, हमारे देशवासी नए विचारों वाले हो जाएं, आधुनिक विचारों वाले हो जाएं, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे, उनकी नवीनतम विचारधारा पुरानी विचारधारा में खो न रही हो। इंटू द ड्रेरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, कभी भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है, हे ईश्वर, हमारे देशवासी ड्रेरी डेजर्ट एंड डेड हैबिट, पुरानी आदतों को मानने वाले ना हो, पुरातनवादी ना हो, हमारे संसार के लोग, हमारे देशवासी नए विचारधाराओं को मानने वाले हों, नई नई परिकल्पनाओं को सोचने वाले हों, साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, आधुनिक बातों को मानने वाले हों। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, कभी भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है, हे ईश्वर, हमारे देशवासियों के मस्तिष्क लेड बाई दी, तुम्हारे द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हों, इंटू एवर वाइडनिंग, हमेशा विस्तृत होते जा रहे हों, हमेशा बड़े होते जा रहे हों, थाट विचारों में एंड एक्शन कार्यों में। मतलब लगातार हमारे देशवासी, हमारे संसारवासी अपने उत्थान की ओर बढ़ रहे हों, अपने श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हों, उनके विचार अच्छे हो रहे हों, उनके एक्शन कार्य अच्छे हो रहे हों। इंटू दैट हैविन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर, मेरे पिता, मेरे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो। कभी आर एन टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, ईश्वर, हमारे देशवासियों को जगा दो, हमारे देश को स्वतंत्रता का स्वर्ग बना दो। प्रिय साथियों, यदि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगे तो कविता को शेयर करें, कविता को लाइक करें, कमेंट में कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि आपको मेरी कविता अच्छी लगती है, कोई नई कविता भी आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं उस पर नया वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों।